हेलो गाइस, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। तो हमेशा की तरह एक वीडियो और गाइस। तो चलिए मैं आज आपको बता दूं आज का हमारा वीडियो क्या है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि सनसाइन का डिजिटल मल्टीमीटर, यहाँ पे मैं इसकी बताने वाला हूँ कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं और क्या ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो ये सनसाइन का DT19N मॉडल है, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। तो इसकी मैं अभी अनबॉक्सिंग भी करूँगा और खोल के भी आपको दिखाऊँगा। और आपने काफ़ी इसके वीडियोस देखा भी होगा, पर नहीं देखा है तो वीडियो को लास्ट एंड तक जरूर देखिएगा। इसमें मैं यहाँ पे फुल डिटेल करने वाला हूँ कि इसको यूज़ कैसे किया जाता है और ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, बेटर है कि नहीं है। बाकी चलिए इसको खोलते हैं फटाफट। तो इसके साथ हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। एक हमें वही मल्टीमीटर, तो मल्टीमीटर का आप लुक देख सकते हो, अभी हम इसको भी खोलेंगे। उसके बाद हमें मिल जाती है यहाँ पे गाइस कि केबल्स मिल जाती हैं, केबल्स की क्वालिटी के बारे में। बात करेंगे और सबसे अच्छी बात है इसकी बैटरी। तो चलिए इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ फिलहाल साइड। तो ये तीन चीज़ें इसके साथ बॉक्स के साथ आ जाती हैं और मैनुअल भी उसके साथ मिल जाता है। तो चलिए इसके पन्ने को मैं रिमूव कर देता हूँ और उसके बाद इसकी बैटरी को मैं इसमें इंस्टॉल कर देता हूँ और उसके बाद का प्रोसीजर मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो गाइस, इसमें हमने बैटरी को इंस्टॉल कर दिया है और इसके फंक्शंस के बारे में और इसकी लुक बिल्ड की बात करें, क्वालिटी की बात करें, तो क्वालिटी भी बहुत अच्छी लग रही है। बहुत अच्छी लगने का मीन्स हमें फ़िलहाल यहाँ पे काम करना है, ऐसा नहीं, अच्छे से कोई मतलब नहीं है। हमें वर्क जो करना है वो हमारा वर्क होना चाहिए। तो इसकी मैंने साइड क्वालिटी और इसका जो डिस्प्ले है और इसमें आप सारे फंक्शंस को मैं भी कवर करने वाला हूँ। तो चलिए फ़िलहाल मैं इसको स्टैंड में भी लगा देता हूँ और फिर इसके फंक्शंस को मैं बताता हूँ गाइस। तो ये इसकी, अब हम इसकी बात आ जाते हैं कि वायर में इसके जो प्रोब होते हैं गाइस, इसका जो प्रोब है बहुत ही अच्छा है। क्योंकि अगर हम प्रोब ही लेते हैं मार्केट में तो इसका जो प्रोब आप देख सकते हैं, नोब, इसके प्रोब के नोब देख सकते हैं, बहुत ही हमें जब टेस्टिंग करने में या कोल्ड टेस्टिंग करने में या ट्रेसिंग करने में बहुत मदद साबित करती है। ये प्रोब ही प्रोब मेरे ख्याल से आई थिंक 80-90 रुपये की आ जाती है मार्केट में। तो चलिए फटाफट इसको हमें लगा देना है और इसको मैं बता देता हूँ कि आप इसको कहाँ लगाओगे। तो आप ये देख रहे हो रेड वाला प्रोब, ऑलवेज आप बजर मोड पे रखोगे, रेड पे लगाओगे, आप इसको यहाँ पे इंस्टॉल कर दोगे जैसा कि मैंने कर दिया। और ये ब्लैक वाला प्रोब आप इसको बीच में लगा देना है। तो मैंने यहाँ पे इसको भी इंस्टॉल कर दिया, दोनों को ही लगा दिया गाइस। अब इसके फंक्शंस के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं और इसको कैसे चेक करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता। तो ये तो इंस्टॉलेशन भी थोड़ा सा प्रोसेस था गाइस, बाकी चलिए अब इसके थोड़े फंक्शंस के बारे में हम बात कर लेते हैं। सारा कुछ यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए, पहला टाइप है टॉर्च का, एक आइकन दिखाई दे रहा है, ऊपर एक बल्ब दिखाई दे रही है। आप इसको होल्ड करके रखोगे तो ये टॉर्च जो लाइट्स है वो ऑन हो जाएगी गाइस, और इसको आप होल्ड करके रख देंगे तो हो जाएगी। सेकेंड टैब है आपका, ये वोल्टेज का है, एसी और डीसी दोनों ही है, वोल्टेज का है गाइस। तो इसमें एसी भी है और डीसी भी है, तो देख सकते हैं अभी ये डीसी पे है, मैं फिर से इसको क्लिक कर रहा हूँ तो अभी देखिए एसी में आ चुका है। इसको वन क्लिक करेंगे तो ये चला जाएगा डीसी में। तो इसमें आप एसी वोल्टेज भी देख सकते हो और डीसी वोल्टेज भी देख सकते हो। और यहाँ पे होल्ड का एक बटन दिखाई दे रहा है, ये होल्ड से आपकी जो लाइट है, जो डिस्प्ले में लाइट है, डिजिटल जो हमारा मल्टीमीटर है, वहाँ पे लाइट आ जाती है, कभी आपकी लाइटिंग वगैरह में दिक्कत आती है। अब आते हैं इसके मेन फंक्शन में आ जाते हैं। तो जो पावर बटन का एक बटन दिखाई दे रहा है, इसमें ही आपके कई सारे बटन्स, क्योंकि और भी कई मल्टीमीटर्स में बहुत सारे टैब होते हैं, बहुत सारे बटन्स होते हैं जिसमें आप उसको वन बाई वन को करते जाते हैं तो भी हमें फाइंड आउट नहीं होता है। अब चलिए इसमें आपको मैं थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करूं। तो इसमें आपका जो फंक्शंस है, इसमें आप गाइस आप रजिस्टर की वैल्यू निकाल सकते हैं, आप ट्रेसिंग कर सकते हैं, आप इससे कंटिन्यूटी भी कर सकते हैं। मतलब इसी एक टैब बटन से आप सारे फंक्शंस को काम यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए मैं वन बाय वन आपको मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहला यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटो में आ गया, ऑटो ओएल दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप डायोड वैल्यू, मतलब किसी भी रजिस्टर का रजिस्टेंस पता कर सकते हैं कि वो कितने वैल्यू का है गाइस। तो पहले वाले टैब में आपको मैं दिखा दूँ कि जो पहला टैब है, ये आपका जो मैं पहला टैब है, ये आपका रजिस्टर की वैल्यू निकाल सकते हैं कि कितने किलोग्राम का है, कितने के का है, कितने एम का है, वो सारा कुछ आप यहाँ से देख सकते हैं। सेकंड में यहाँ पे क्लिक करता हूँ, सेकंड में आप देख सकते हैं यहाँ पे डायोड का साइन आ रहा है गाइस। तो ये डायोड मोड पे चला गया है। डायोड मोड पे आप यहाँ पे किसी की भी वैल्यू, जैसे बोर्ड में आप किसी कॉम्पोनेंट की या फिर किसी कनेक्टर की, या फिर आप यहाँ पे बात करूँ कि किसी की भी ट्रेसिंग, मतलब आपको वहाँ पे रीडिंग चेक करनी है, तो आप इस मोड से, डायोड मोड से आप वहाँ पे अपनी रीडिंग को, वैल्यू को चेक करेंगे। फिर नेक्स्ट करते हैं गाइस। नेक्स्ट करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पे एक साइन आ रहा है, स्पीकर का साइन आ रहा है। तो ये जो मोड है ये है बजर मोड पे है गाइस, मैं आपको बता दूँ। बजर मोड मतलब जैसे ही आप इसको टच करेंगे, जैसे ही दोनों प्रोब को आप यहाँ पे टच करते हैं, तो ये देखिए आपका बीप साउंड। इसके जो बीप क्वालिटी भी है
वो भी बहुत अच्छी है गाइस। तो आप देख सकते हो ये आपका बजर मोड आ गया। तो मैंने यहाँ पे तीन मोड आपको बता दिए, जो कि बेसिकली यही तीन मोड हमारे काम में आते हैं, ट्रेसिंग में काम आते हैं और रजिस्टर की वैल्यू में काम आती है ये सारा कुछ। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटो मोड यहाँ पे फेरानाइट में है, और ये सी, और यहाँ पे फेरेट एफ। तो फिर से आपको जो बेसिकली तीन काम करने हैं वो इसी में करने हैं गाइस। आपको यहाँ पे किसी भी रजिस्टर का रजिस्टेंस पता करना है कि वो कितने के का है या फिर कितने का है। आप यहाँ पे जा सकते हो, और अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो इसमें आपकी बीप नहीं आएगी, आप इसमें वैल्यू पता कर सकते हैं किसी का, देख सकते हैं इसमें वैल्यू आ रही। जैसे मैंने टच किया तो यहाँ पे वैल्यू जी आर आप देख सकते हैं कि किस में किस कनेक्टर पर जी आर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सेकेंड आप इसको टैप को क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर आ जाएगी इसकी बीप साउंड, मतलब बजर मोड आ जाएगा। तो आई होप वीडियो ये आपको सही लगा होगा। अगर भी लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए मैं अब आपको बता देता हूँ। ऑटो पावर ऑफ मतलब यहाँ पे जो इन्होंने फंक्शंस बताए हैं कि आप ये कुछ सेकंड के बाद या कुछ मिनट्स के बाद ये अपने आप बंद हो जाएगा, आपको बंद करने की ज़रूरत नहीं होगी, जिससे कि बैटरी सेविंग भी आपकी काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलेगी। तो और दूसरी चीज़ की ये बेटर ये भी है क्योंकि इसमें बहुत कम ऑप्शंस हैं बटन के, नहीं तो कई सारे मल्टीमीटर्स में बहुत होते हैं। फ्लुक के भी मल्टीमीटर में आप उसको टैप करते रहते हैं, आप इसको प्रेस करके रखेंगे तो इसकी लाइट्स डिस्प्ले की जो डिजिटल है वो मल्टीमीटर वो उसकी लाइट्स आ जाएगी गाइस। तो आई होप ये मल्टीमीटर भी अच्छा है, तो आप इसे बाय कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा। और आपको एक परफेक्ट नॉलेज चाहिए कि डीसी का परफेक्ट नॉलेज चाहिए तो आप ऐसे टेलीकॉम ज्वाइन कीजिए जिससे आपको हर एक मल्टीमीटर, ऐसा नहीं कि केवल एक मल्टीमीटर से, आपको हर एक मल्टीमीटर से आपको उसकी नॉलेज दी जाएगी, उसके जीयर के बारे में, उसकी वैल्यू के बारे में, उसके रेजिस्टेंस के बारे में, हर एक चीज़ प्रॉपर नॉलेज बताया जाएगा गाइज। तो आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।